केरल के त्रिशूर में ही जो स्त्री शक्ति रैली है उसमें भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। और हमारी संवाददाता आयशा खारम यहीं पर त्रिशूर में इस रोड शो में उपस्थित हैं, उनसे फोन लाइन पर जुड़ते हैं और उनसे अपडेट लेते हैं। आयशा, रोड शो की शुरुआत हम देख रहे हैं, लोगों में जबरदस्त उत्साह, फूलों की बारिश। आयशा जी, हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हुआ यहाँ पर त्रिशूर के सरकारी अस्पताल के पास से और अब काफिला आगे बढ़ रहा है और खचाखच भीड़ यहाँ पर जमा है। लोग दूर दूर से पहुंचे हैं, केरल के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हम देख सकते हैं कि सड़कों के दोनों तरफ लोग प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों की वर्षा करते हुए कर रहे हैं, जो हमेशा ये नजारा देखने को मिलता है जब भी प्रधानमंत्री का इस तरह का रोड शो होता है। इस वक्त प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो पास हो रहा है वडक्कनाथम मंदिर के सामने वाले हिस्से से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में हजारों संख्या में लोग खड़े हैं और आप देख सकते हैं पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल पेंटिंग बनाई गई है जो सैंड यानी मिट्टी पूरे देश के कोने कोने से मिट्टी के साथ कलर्स मिक्स किया गया है, एक सैंड आर्टिस्ट ने ये तस्वीर बनाई है। तो ये तस्वीर से जो है यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ रहा है और सड़कों पर लालचंद जो हमने देखा सुबह से लगातार, हालांकि ये रैली महिलाओं के लिए है तो हमने ये भी देखा कि आज पुरुष जो है वो बहुत ही चिवलरस रहे और महिलाओं को अंदर जाने के लिए रास्ता बना रहे थे और वो कह रहे थे कि महिलाओं का दिन है, महिलाओं की रैली है, उन्हें जाने दीजिए। तो इस तरह से एक उत्साह देखने को मिला और महिलाओं को सपोर्ट करते हुए पुरुष भी उन्हें रैली में जाने के लिए रास्ता बनाते नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है आगे बढ़ता हुआ जा रहा है अभी इस वक्त और ये स्वराज राउंड है त्रिशूर का जो वडक्कनाथम टेम्पल का जो मैदान है जहाँ पर त्रिशूर पूरम होता है, मशहूर त्रिशूर पूरम होता है और ये जो उत्सव है बहुत ही भव्य उत्सव और बहुत ही मशहूर विश्व प्रसिद्ध उत्सव यहाँ पर होता है त्रिशूर पूरम और ये मैदान में ही प्रधानमंत्री की रैली है जहाँ पर प्रधानमंत्री महिलाओं को संबोधित करेंगे और इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोग जो है उनका स्वागत कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे सुनाई दे रहे हैं और कई लोग जो है फूलों की वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप गौर से देखिए लालचंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला बढ़ रहा है, आसपास आप कई जगहों पर सोने की दुकानें देखेंगे, यानी जैसे कि मैंने बताया त्रिशूर एक गोल्डन हब है, गोल्ड हब है, गोल्ड ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है और यहाँ के कारीगर जो है बहुत ही जाने जाते हैं, मशहूर हैं त्रिशूर में यहाँ के कारीगर। तो ये जो तमाम स्किल्ड वर्कर्स हैं ये केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी उठा चुके हैं और कई युवक जो है अब केंद्र सरकार की स्किल्ड स्कीम्स का योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और अपना जो पारंपरिक जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है आगे बढ़ रहा है, हजारों की संख्या में युवक यहाँ पर जुटे हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिशूर में युवा कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था, देखिए प्रधानमंत्री का यह तीसरा दौरा है त्रिशूर में और युवा कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री ने युवकों को संबोधित किया था, उनसे कनेक्ट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर योजना और हर विजन का हिस्सा है युवक और ये न्यू इंडिया की नींव है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा युवाओं को संबोधित करते हैं और अब विमेंस बिल के जरिए, विमेंस रिजर्वेशन बिल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को विमेन लेड डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा, एक अहम कड़ी बनाने का रास्ता खोल दिया है और ये विजन अब केरला की महिलाओं को काफी उत्साह देता है, काफी उत्सुक है महिलाएं। और कल हम कुछ महिलाओं से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि अब प्रधानमंत्री ने हमें तो तोहफा दे दिया लेकिन अब महिलाओं की बारी है कि वो प्रधानमंत्री को रिटर्न गिफ्ट दे और महिलाओं ने एक उद्देश्य बना लिया है कि केरल में पहली महिला मुख्यमंत्री जल्द से जल्द बनाएंगे। कम से कम एक दशक का समय तो लगेगा ही यहाँ पर एक मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि एलडीएफ और यूडीएफ ने लगातार यहाँ पर वादे करते रहे, कई बार महिला मुख्यमंत्री का नाम प्रोजेक्ट किया लेकिन लेकिन जैसे ही चुनाव होते थे सब वादे भूल जाते थे। तो अब लोगों ने, महिलाओं में ये उत्साह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो
विमेन रिजर्वेशन बिल, जो महिला रिजर्वेशन बिल पारित किया है, उसके बाद कई महिलाएं पॉलिसी डिसीशन मेकिंग में आगे आएंगी। और केरला एक लिटरेट स्टेट है और यहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे हाई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि केरल में शुरू से महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प नेटवर्क भी है जो काफी मशहूर है। यहाँ पर इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन्स, यहाँ की महिलाएं जो है काफी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योर स्किल्स के लिए जानी जाती हैं। तो अब जबकि उनके लिए ये रास्ते खोल दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो जाहिर है महिलाएं अब विकास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और देश की जो इकोनॉमी है उसमें भागीदार बनेंगी। तो ये जो प्रधानमंत्री की जो आज की रैली है, इसका अहम उद्देश्य यही है कि महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी तरफ से धन्यवाद कहेंगी और अपना प्रधानमंत्री का जो विजन है उसको अपने सपनों के साथ जोड़कर महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है आगे बढ़ रहा है, करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास का ये जो रोड शो है, स्वराज राउंड का जो जो रास्ता है वहां से गुजरते हुए अब आगे बढ़ता जा रहा है और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। कल हमने देखा तिरुवत्तिरा जो महिलाओं का पारंपरिक नृत्य है यहाँ पर केरल में, खासकर उत्सव के दौरान महिलाएं ये परफॉर्म करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से पहले ये तमाम कल्चरल चीजें यहाँ पर देखने को मिली और प्रधानमंत्री के स्वागत में बहुत जोश और बहुत उत्साह यहाँ पर नजर आया। और मैंने देखा कि यहाँ पर त्रिशूर पूरम के दौरान जिस तरह उत्साह होता है, ठीक उसी तरह का माहौल क्रिएट किया गया और एक छोटा त्रिशूर पूरम का नजारा देखने को मिला। हमें लोग बता रहे थे कि जब प्रधानमंत्री के काफिले के लिए रास्ता बनाया जा रहा था तो ठीक वही उन्हें याद आ रहा था कि त्रिशूर पूरम के दौरान भी इसी तरह का नजारा देखने को मिलता है। तो प्रधानमंत्री को बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही पारंपरिक अंदाज में यहाँ लोग स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में जो इस ग्राउंड में जो मैदान है, तेक्कीनाडु मैदान है, इस मैदान में प्रधानमंत्री महिलाओं को संबोधित करेंगे। देखिए खास बात ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को का धन्यवाद करने के लिए ये रैली है, लेकिन ये जो मैदान है तेक्कीनाडु मैदान है ये त्रिशूर पूरम के लिए जाना जाता है, लेकिन केरल सरकार ने इस मैदान को लेकर भी राजनीति छेड़ दी है। और इस मैदान की राजनीति ये है कि हर बार जब अप्रैल के महीने में त्रिशूर पूरम होता है तो सरकार इस मैदान को किराए पर देती है जो मंदिरों के देवस्वम बोर्ड है। तो अब केरल सरकार ने इसका किराया 2 करोड़ से ज्यादा कर दिया है जो मंदिर के बोर्ड इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसको लेकर काफी विवाद रहा और इसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन भी काफी चलते रहे, लेकिन सरकार केरल सरकार जो है सीपीएम सरकार लगातार कहीं ना कहीं इस तरह के उत्सव में हर्डल्स क्रिएट करती है, रोड़े लगाने की कोशिश करती है। तो ये एक जद्दोजहद चल रही है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और हो सकता है एक स्टेटमेंट भी जाएगा कि जो लोग उत्सव पारंपरिक तरीके से मनाते हैं, जो परंपरा है केरल की 200 साल पुरानी परंपरा है, उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों की भावनाओं की कदर करेंगे। तो ये एक मैसेज भी प्रधानमंत्री देना चाहते हैं इस मैदान में रैली कर, इस मैदान में जो ये आयोजन किया गया है। तो ये बहुत ही खास एक विषय रहा यहाँ पर त्रिशूर पूरम के जो इस मैदान में जो है पिछले कुछ समय से ये विषय चलता रहा। तो ये एक स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि त्रिशूर जो है केरल का उत्तर का हिस्सा है और त्रिशूर में बीजेपी ने अपना गढ़ और मजबूत बनाया है। यहाँ पर बीजेपी का वोट शेयर बड़ा है और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कम से कम 5 या 6 सीट, यानी केरल की 20 सीटों में से 5 या 6 सीट पर वो काम कर सकती है और त्रिशूर को बीजेपी केरल में अपना गढ़ बनाना चाहती है। और केरल में जो है क्योंकि काफी एजुकेशन हाई है, युवाओं की संख्या है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स ज्यादा है, तो यहाँ के लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सबका साथ सबका विकास की जो योजनाएं हैं वो तमाम योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास की परिकल्पना करते हैं, एक विजन की परिकल्पना करते हैं। और हम देख सकते हैं कि कुछ समय पहले से ही विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई और ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें
राजनेताओं का या फिर पॉलिटिशियंस का कोई योगदान नहीं, इसमें महज अधिकारी जो है देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची है उन्हें उसके बारे में आगाह कराया जाए, उन्हें उनका लाभ उठाने के लिए कहा जाए। तो ये एक ऐसा मूवमेंट बन गया है जो स्कीम की सैचुरेशन करने के लिए, तो ये भी केरल में काफी उत्साह का कारण रहा और लोग बढ़ चढ़ कर केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोशिश रही है, एक अमृतकाल भारत की जो कोशिश रही है, इस कोशिश में आज हम देखेंगे कैसे ये तमाम महिलाएं जो है प्रधानमंत्री के साथ उनके विजन के साथ जुड़ेंगी और स्टेज पर खास महिलाएं जो है आमंत्रित की गई हैं। इनमें पीटी उषा रहेंगी जो ओलंपियन है और मीनू रहेंगी जो क्रिकेटर है, मीनू मनी जो क्रिकेटर है, ये युवा खिलाड़ी है एंड अभी अभी उन्होंने इंग्लैंड में T20 में भारत की तरफ से कैप्टनसी की थी। तो ये युवा खिलाड़ी जो है वो भी स्टेज पर मौजूद रहेंगी और बहुत ही दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूंगी, लालचंद के स्टेज पर मारिया कुट्टी नाम की एक वृद्ध महिला जो 80 साल की महिला है जिन्होंने केरल में केरल सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी क्योंकि इस महिला को अपने पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। तो ये मारिया कुट्टी महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट से केरल सरकार को CPM सरकार को काफी फटकार लगी थी और हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि अगर आप एक वृद्ध महिला, एक मजबूर महिला की मदद नहीं कर सकते तो सरकार में बने रहने का क्या मतलब है। तो इस तरह से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी और आज मारिया कुट्टी को विशेष स्थान मिलेगा। मारिया कुट्टी जो है 80 साल की जो वृद्ध महिला है वो प्रधानमंत्री से रूबरू होंगी और अपनी जद्दोजहद, अपनी जो फाइट है उसको वो प्रधानमंत्री को बताएंगे कि कैसे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अपने पेंशन के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। तो ये तमाम महिलाएं हैं जो अपनी अपनी जो मुश्किलें हैं, जो अपने दर्द हैं वो प्रधानमंत्री के सामने रखेंगी और बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री का नेतृत्व उन्हें मोटिवेट करता है कि वो अपने हक के लिए लड़े और जो जो उनका हक है वो उन्हें मिले। लालचंद बिल्कुल, जिस तरह से आशा देख रहे हैं कि लोग झूम रहे हैं इस रोड शो के दौरान, फूलों की बारिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है क्या कि प्रधानमंत्री रैली स्थल तक पहुंच गए हैं क्या आशा? जी, बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रैली ग्राउंड के अंदर पहुंचेंगे। देखिए मैंने बताया आपको ये 16 ग्राउंड है, ये मैदान जो है एक गोल चक्कर है और इसके अराउंड ही करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। प्रधानमंत्री जो वडक्कुनाथम मंदिर के चार हिस्से हैं, चार अलग अलग द्वार है, उससे गुजरते हुए उनका काफिला आगे बढ़ रहा है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अंदर पहुंचेंगे और यहां आई 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री पर जो फूलों की वर्षा जो दर्शाई जा रही है, ये उत्सुक कार्यकर्ता हैं जो लोग हैं त्रिशूर के और केरल के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंचे। देखिए यहां पर आने वाले लोग ये महज पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, इनमें से कई लोग जो है दूर दराज के गाँव से आए हैं और वो सुबह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार यहाँ पर कर रहे थे। हम देख रहे थे कि अपनी अपनी जगह रिजर्व करने के लिए लोग एकजुट हो रहे थे और प्रधानमंत्री का भव्य और शानदार स्वागत उन्होंने यहाँ पर किया है। कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस दक्षिण काड़ू मैदान के अंदर पहुंचेंगे और यहां भी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने के लिए तमाम तैयारियां हमने कल से देखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहां
जो मौजूद महिलाएं हैं, कई आशा वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, ये तमाम महिलाओं को संबोधित करेंगे। हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री सीधे स्टेज जाने के बजाय यहाँ पर लोगों के साथ, लोगों के रूबरू हुए हैं और उनके बीच चलते हुए उनका अभिवादन स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा कड़ी की गल से त्रिशूर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, क्योंकि कई जगहों पर कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर को हटाने को लेकर, लेकिन इसके बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इस कार्यक्रम में कोई अड़चन ना आए उसकी पूरी व्यवस्था और सुरक्षा के बंदोबस्त, कड़े बंदोबस्त यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर हम देखते हैं कि सीधा रोड शो के बाद स्टेज पर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ लोगों के बीच लोगों का अभिवादन स्वागत करते हुए उनके बीच से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और महिला जो हजारों की संख्या में, जो लाखों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं आई हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं और कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर पहुँचेंगे और उनका जो संबोधन है वो शुरू होगा। प्रधानमंत्री के सामने हम देख सकते हैं कि फूलों की वर्षा के साथ साथ फूलों का कारपेट भी बिछा जैसा नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हर कोई प्रधानमंत्री के करीब, प्रधानमंत्री को करीब से उनकी एक झलक पाना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है। यहाँ आए तमाम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं।